जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया के हर देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हर धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, हर संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आज ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। दर्शकों, 2025 तक की परिस्थितियां शनि के कारण से बहुत ही विचित्र होंगी, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे। संसार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में विश्व शांति का एक महामिशन भी आरंभ होगा। एक सूत्र में ये पूरी दुनिया एक विचारधारा को स्वीकार करेगी, ऐसा बड़ा परिवर्तन भी आप अवश्य देखेंगे। और इसीलिए आने वाला समय, मैं ज्यादा लंबा आपको समय नहीं दे रहा हूं, लेकिन 6 माह की यदि हम बात करते हैं, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के और दिसंबर 2022 तक यदि हम बात करें, तो आने वाला समय जो 6 माह का है, ये आर्थिक अस्थिरता के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इस समय पर आर्थिक तौर पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। आप अप्रत्याशित हर चीज के अंदर भावों में उतार चढ़ाव देखेंगे, चाहे फिर वो कभी खाने पीने की चीजों के भाव हो, या सोने चांदी के हो, या इक्विटी मार्केट हो, हर जगह आपको अप्रत्याशित दौर देखने को मिलेंगे, जहां अचानक से भाव ऊपर भी होंगे और वहां से बहुत तेजी से नीचे भी आएंगे। ऐसे में आपकी जितनी भी योजनाएं हैं जो आर्थिक तौर पर कुछ बड़ा रोल आपके जीवन में प्ले करती है, तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि इन आर्थिक योजनाओं के अंदर आपको अपना मिनिमम रिस्क कैलकुलेट तो करके चलना ही है, ताकि आप उस झटके को सहन कर पाए या उससे बचने का कोई रास्ता निकाल पाए। इस समय पर बहुत बड़े कर्ज लेकर के कार्य करने की स्थिति आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी पूरे दुनिया को माहौल को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो अस्थिरता पैदा अवश्य होगी। ऐसे में हमें बहुत ही सोच समझ करके चलना है और अपने आर्थिक कार्यक्रमों को बहुत ही संभलते हुए तरीके से आगे बढ़ाना है। यदि आप फाइनेंस का काम करते हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा फाइनेंस यदि एक ही जगह पर आप लगा रहे हैं तो आपको उससे बचना चाहिए। इक्विटी मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ी पोजीशन ओवरनाइट ले जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह की बड़ी पोजीशन यदि आपकी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो रिस्क बनती है वो रिस्क आप वहन करने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। कमोडिटी में यदि आप काम करते हैं तो भी आपको एक उतार चढ़ाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि आप कमोडिटी के अंदर काम करते हैं तो भी, अगर आप बुलियन में काम करते हैं तो भी, दोनों सूरत के अंदर आपको भाव के उतार चढ़ाव पर नजर रखनी पड़ेगी और अपने आप को उस रिस्क से बचाने का रास्ता भी अपने पास में आपको रखना पड़ेगा। दर्शकों, 6 माह का समय राजनीतिक तौर पर भी बहुत उठा पटक करेगा, और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा भी था कि 2022 का साल भारत के अंदर बहुत बड़े तौर पर राजनीतिक परिवर्तन के लिए जाना जाएगा और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं इस 2022 के साल में अवश्य होंगी। और आपने अभी केवल 6 माह बीते हैं और इन 6 माह के अंदर आपने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को होते हुए देखा है, चाहे फिर कांग्रेस के मुखियाओं को ईडी का नोटिस हो, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो हो, राजस्थान की राजनीति हो, या फिर ममता बनर्जी की राजनीति हो, या फिर किसी और तरह का प्रयोजन हो, आपने भारत के अंदर 2022 के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप
रोज अखबारों में पढ़ते भी हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 2022 का साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर राजनीति के लिए। और यही कारण है कि राजनीति के साथ साथ आर्थिक अस्थिरता भी इस 2022 के इस आने वाले 6 माह के अंदर आपको अवश्य देखने को मिलेगी। इसीलिए सावधान और सचेत होकर के आगे बढ़िए, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलिए, ताकि कोई भी ऐसी समस्या आपके सामने ना आए जिसे आप सहन ना कर पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आने वाले समय के अंदर 6 माह के अंदर जो आर्थिक तौर पर उठापटक होगी उसके संदर्भ में मैंने आपको एक आकलन दिया है। इस आकलन को यदि आप ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से अवश्य बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।